हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रलयंकारी मनी सीरीज़ के बारे में। और ऑफ कोर्स मैं आज नागराज वृत्तांत 2 के सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहा हूँ। और ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्रलयंकारी मनी, सेकंड पार्ट का नाम है नागराज और शंकर शहंशाह। और हालांकि आपको ये सुनने में काफ़ी फनी लगेगा, बट मैं इस सीरीज़ को भी अपनी सेमी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब जितनी मैंने चाहे मैं नारद वृत्तांत 1 की कॉमिक्स के बारे में बताऊँ, नारद वृत्तांत 2 के कॉमिक्स के बारे में बताऊँ, तो ये सभी मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती हैं। हालांकि जो इसके बाद की कुछ कॉमिक्स हैं वो भी मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती हैं, जिनके बारे में आपको बताऊँगा। सारी क्लासिक नारद की कॉमिक्स नहीं, सिर्फ कुछ कॉमिक्स ही मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती हैं। खैर, अगर मैं इस सीरीज़ के बारे में बात करूं तो इस सीरीज़ में पहली बार होता है कि नागराज विसर्पी से पहली बार मिलता है, लेकिन वो भी बिल्कुल लास्ट में। और नागराज नागद्वीप जाता है पहली बार, वो भी बिल्कुल लास्ट में। और हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि नागराज इस सीरीज़ में पहली बार विसर्पी के भाई को मिलता है। कैसे मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, उसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पढ़नी पड़ेगी। और इस सीरीज़ की सबसे यूनिक बात यह है कि जो ये प्रलयंकारी मनी कॉमिक है, इस पूरी कॉमिक में आपको नागराज कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नागराज आपको इसके लास्ट पेज के लास्ट पैनल में देखने को मिलेगा। आपको दिखा देता हूँ, वो बस इसी पैनल में नागराज देखने को मिलता है। और ये तो फर्स्ट, वैसे एक फन फैक्ट ये है कि जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था नागराज के साथ ऐसा, दूसरी टाइम नागराज की एक और ऐसी सीरीज़ थी जिसमें नागराज फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलता है, और वो सीरीज़ है नर्कनाशी नागराज की इन्फेक्टेड सीरीज़। उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। और खैर, इस सीरीज़ में एक बार नागराज से उसकी नाग शक्ति भी चली जाती हैं। कैसी जाती हैं वो आपको इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मतलब बहुत ही शानदार स्टोरी लाइन है इसकी। अगर मैं इसके आर्टों की बात करूँ तो एज ऑफ कोर्स इस सीरीज़ का आर्टवर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चंदू जी का आर्टवर्क है और काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने ड्रॉ किया है। और ऑफ कोर्स स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा औसम है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप क्लासिक नारज के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ ख़रीदनी चाहिए, पेपरबैक में अवेलेबल है। अगर आप नहीं भी हो, ऑफ कोर्स मैं वही बात कहता हूँ कि तब भी आप इस सीरीज़ को इंजॉय करोगे। फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। तो ये इसके बारे में बस ये बता सकता हूँ। हाँ, हालांकि ना क्लासिक नागराज की और भी कॉमिक्स हैं जिनको अभी तक तो कलेक्टेड एडिशन में लाया नहीं गया, सिवाय विश्व रक्षण भाग टू, जो कि वैसे इसके बाद की कॉमिक्स तो नहीं है, बहुत आगे की कॉमिक्स हैं, उसके बारे में मैं भी बात करूँगा। हालांकि मेरे हिसाब से जो इस सीरीज़ के बाद की कॉमिक्स हैं उसकी नागराज वृत्तांत 3 या 4 निकालनी चाहिए। अब जब पता नहीं क्यों निकाला नहीं है, बट हाँ, बीच की कुछ कॉमिक्स को गैप देकर विश्व रक्षण के 2 हिस्से निकाले हैं, कलेक्टेड एडिशन भाग पार्ट 1 और पार्ट 2। अब देखते हैं कि बीच की कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन कब आएगा। लेकिन हाँ, क्लासिक नागराज की सारी कॉमिक्स राज कॉमिक्स से रिप्रिंट शुरू कर दी है। तो खैर, बस लास्ट में बस ये कह सकता हूँ कि अच्छी सीरीज़ है, अच्छा आर्टवर्क है, फुल पैसे वसूल सीरीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।